17वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ और इसमें ही उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन इसकी मतगणना से पहले ही यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रिजल्ट सामने रख दिया है और ये ऐलान किया है कि 8 सीटों पर यूपी में बीजेपी की जीत होगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि आज जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुए हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग के बीच दावा किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। कैराना, सहारनपुर में हम काफी आगे हैं। नोएडा, गाजियाबाद में एक तरफा बढ़त है, वहीं मेरठ, बिजनौर में भी जीतेंगे और बागपत, मुजफ्फरनगर में भी हमारी स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि इस बार ध्रुवीकरण नहीं बल्कि पलायन के बाद हालात सुधरने का असर हुआ है। जो लोग छोड़कर गए थे वो वापस आए हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रही है। हमारे पास जाट और गुजरों के बड़े नेता हैं जो इसका असर भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और विकास पर वोट मिल रहा है और लोग भारी तादाद में लोग वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने गाजियाबाद, सहारनपुर और कैराना सीट पर भी जीत हासिल करने का दावा किया। साथ ही साथ कहा कि यूपी में चुनाव जो है काफ़ी सरगर्मियों के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले जो भी चरण है उसमें बीजेपी की जीत निश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ पूनम पनौरिया, जेके 24/7 न्यूज़।